जीव अकेला ही जगत में आया है, अकेला ही सुख दुख भोगता है और अकेला ही परलोक जाता है। इन भावों को प्रस्तुत करती बोधि कथा एकत्व की सुंदरता हमें आध्यात्मिक संदेश देती है। जन्म मरण इकला करे, सुख दुख भोगे एक, नरक गमन पन एक लो और मोक्ष जाए जीव एक। यदि जीव तू है एकला, तो तज सब पर भाव, ध्यावो आत्मा ज्ञानमय और शीघ्र मोक्ष सुख पाओ। इन गाथाओं में बच्चों आचार्य योगिंद्र देव कहते हैं कि जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही सुख दुख भोगता है और अकेला ही निर्वाण को प्राप्त होता है। देखो, शरीर में रोग आदि अनेक उपद्रव होते हैं, उनका प्रिय कुटुंबी जनों द्वारा, माता पिता पुत्र द्वारा निवारण नहीं किया जा सकता। उन्हें अपना आत्मा अकेला स्वयं ही भोगता है, उनमें अन्य कोई भी भागीदार नहीं होता। समझ में आई बात? देखो, चार सगे भाई हों, उनमें से एक तो धनवान होकर संसार का सुख भोगे, एक निर्धन रहकर कष्ट का जीवन बिताए, एक विद्वान होकर सारे देश में पूजनीय हो और एक मूर्ख रहकर निंदनीय हो। कोई मरकर स्वर्ग में जाए, कोई नरक में, कोई मनुष्य हो तो कोई तिर्यंश। जिसके जैसे भाव होते हैं उसको वैसा ही फल मिलता है और उस फल को वह जीव अकेला ही भोगता है। बच्चों, ऐसा जानने वाले विवेकी पुरुष निरंतर एकत्व को ही खोजते रहते हैं। इसलिए आचार्य प्रेरणा करते हैं कि हे जीव, यदि तू अकेला है तो सब प्रभावों को छोड़ और निज आत्मा का ध्यान कर। इसी एकत्व को विशेष दृढ़ करने के लिए श्रीमद राजचंद जी ने नमी राजा नामक राजा के चरित्र को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। दीदी, नमी राजा का चरित्र हमें भी सुनाइए। सुनाइए। अच्छा अच्छा, चलो सुनाते हैं। बच्चों, एक महान राज्य के अधिपति नमी राजा मनोहारी स्त्रियों के समुदाय से घिरे रहते थे। सम्यक दृष्टि होते हुए भी संसार लुब्ध दिखाई देते थे। किसी समय उनके शरीर में दाह ज्वर नामक रोग हो गया, सारे शरीर में जलन व्याप्त हो गई। हजारों बिच्छुओं की दंश वेदना के समान दुख उत्पन्न हो गया। वैद्य विद्या में प्रवीण पुरुषों ने अनेक उपचार किए, किंतु सब व्यर्थ गए। व्याधि लेश मात्र भी कम ना होकर बढ़ती ही गई। निपुण वैद्य हताश हो गए। रोग दूर करने वाले पुरुष की खोज चारों तरफ चल रही थी। तभी एक महाकुशल वैद्य मिला। उसने मलयागिरी चंदन के लेप की सलाह दी। सुनते ही सभी रानियां स्वयं ही चंदन घिसने लगी। चंदन घिसने से रानियों के हाथों में पहने हुई चूड़ियों के टकराने से शोर होने लगा। राजा के शरीर में दाह ज्वर की पीड़ा तो थी ही, अब चूड़ियों के कोलाहल से वेदना और अधिक बढ़ गई। राजा ये शोर बर्दाश्त नहीं कर सके। हे रानियों, तुम चंदन मत घिसो, क्यों व्यर्थ में कोलाहल करती हो? मुझसे ये खलबलाहट सहन नहीं होती।
एक तो मैं महाव्याधि से ग्रसित हूँ, दूसरा ये व्याधि तुल्य कोलाहल मुझसे सहा नहीं जाता। जो आ गया महाराज। सभी रानियां सभी चूड़ियां उतार देती हैं और सुहाग चिन्ह के रूप में मात्र एक एक चूड़ी अपने हाथ में रखती हैं और फिर से चंदन घिसना शुरू कर देती। हे रानियों, क्या तुमने चंदन घिसना बंद कर दिया? नहीं राजन, हम चंदन घिस रही हैं। कोलाहल शांत करने के लिए हाथों में एक एक चूड़ी रखकर बाकी सारी चूड़ियां उतार दी हैं। अब चूड़ियों का समूह हाथ में नहीं है, अतः शोर नहीं हो रहा। ओह, एकत्व ही सुंदर है। अकेली चूड़ी से लेस मात्र भी कोलाहल नहीं होता, समूह से सिर चकरा देने वाली ध्वनि होती है। अहो चेतन तू मान, एकत्व में ही तेरी सिद्धि है। अधिक मिलने से अधिक उपाधि है। चेतन तू प्रसंग का त्याग कर एकत्व में प्रवेश कर। एकत्व के विचारों में खोए नमी राजा स्वयं को संबोध रहे थे कि देख, यह एक चूड़ी अब कोलाहल के बिना कैसी उत्तम शांति में रम रही है। जब अनेक थी तो अशांत थी, तू भी चूड़ी रूप है। इस चूड़ी की भांति जब तक प्रिय कुटुंबियों के समुदाय में पड़ा रहेगा, तब तक भव रूपी खलबलाहट को भोगना पड़ेगा। यदि इस चूड़ी की वर्तमान स्थिति के समान एकत्व का सेवन करेगा तो सिद्ध गति रूप महाशांति का सुख भोगेगा। इस प्रकार वैराग्य में परिणामों को दृढ़ करते हुए प्रातः होते ही दीक्षा धारण करने का निश्चय करके महाराजा सो गए। बच्चों, प्रातः होते ही मांगलिक बाजों की ध्वनि बजने लगी। नमी राजा दाह ज्वर से मुक्त हो चुके थे। एकत्व का परिपूर्ण सेवन करने के लिए नमी राजा दीक्षा धारण करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। अब नमी मुनि राज वन में आत्मा के अतींद्रिय आनंद रस का पान करते थे। उनके वैरागी परिणामों की चर्चा देवलोक में हुई और इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके वैराग्य की परीक्षा करने पहुंच गए। प्रणाम गुरुवर। सद्धर्म वृद्धि रस्तु। हे राजन, आज आपकी नगरी में विलाप के शब्दों से बहुत कोलाहल हो रहा है। मात्र तेरी दीक्षा ही इन सब दुखों का हेतु है। हे विप्र, तेरा कहना अज्ञान रूप है। मिथिला नगरी में एक बगीचा था जिसके मध्य फल फूल पत्तों से युक्त एक वृक्ष था जो शीतल छाया देता था, नाना प्रकार के पक्षियों को लाभदायक था। वायु द्वारा कंपित होने से उसमें रहने वाले पक्षी शरण रहित होने से क्रंदन करते हैं। वे कहीं वृक्ष के लिए विलाप नहीं करते, अपितु उनका सुख नष्ट हो जाने से शोकातुर हैं। हे राजन, अपनी नगरी के लिए ऊंचे आवास बनवाकर, सिंह द्वार किले ऊंचे दरवाजे आदि बनवाकर फिर दीक्षा के लिए जाना योग्य था। हे, तूने जिस प्रकार के आवास गिनाए हैं वे सब मुझे अस्थिर लगते पर रूप लगते हैं। जहाँ मेरा स्वधाम है, स्थिरता है, वहीं मैं निवास करना चाहता हूँ। अनेक प्रकार के
आतंकियों के उपद्रव को दूर करके अपनी नगरी का कल्याण करके फिर जंगल जाना योग्य था। हे विप्र, किसे दंड दे? चोरी ना करने वाले शरीरारिक पुद्गल हैं, उन्हें लोक में बांधा जाता है, और जो चोरी करने वाले इंद्रिय विकार हैं, उन्हें लोक में कोई बांध ही नहीं सकता। हे राजन, जो राजा आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उन्हें अपने वश में करने के बाद ही दीक्षा लेना योग्य था। 10 लाख योद्धाओं पर विजय पाने की अपेक्षा एक निज आत्मा को जीतने वाला पुरुष ही परम उत्कृष्ट है। आत्मा के साथ युद्ध करना उचित है, वह युद्ध से क्या प्रयोजन? हे क्षत्रिय, सोने चांदी मणि रत्न वस्त्र अलंकार अश्व आदि की वृद्धि करने के बाद फिर राज त्यागना योग्य था। हे विप्र, सोने चांदी के कदाचित मेरु पर्वत जैसे असंख्यात पर्वत हों, तो भी लोभी मनुष्य की तृष्णा नहीं मिटती। तृष्णा आकाश जैसी अनंत है। सकल लोक धन वैभव सोने चांदी से भर दिया जाए, तो भी लोभी मनुष्य की तृष्णा दूर करने में समर्थ नहीं है। हे राजन, मुझे बेहद आश्चर्य होता है कि आज तुम विद्यमान भोगों को छोड़ रहे हो और बाद में अविद्यमान काम भोग के संकल्प विकल्प करके भ्रष्ट होगे। अतः इस मुनित्य संबंधी उपाधि को छोड़ दो। हे विप्र, ये काम भोग मुझे विष सरीके लगते हैं, सर्प तुल्य लगते हैं। इनकी इच्छा से जीव अधोगति में जाता है। मैं एक ही हूँ, अकेला ही हूँ, और सर्वदा एकत्व को ही चाहता हूँ। अतः मेरा हृदय कभी विचलित होने वाला नहीं है। जानबूझकर कौन जहर पिए, जानबूझकर कौन कुएं में गिरे, विश्राम में कौन पड़े। अतः अब मैं वापस नगरी में आने वाला नहीं हूँ। मुनि नमी राजा की दृढ़ता देखकर इंद्र को परमानंद हुआ। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप छोड़कर इंद्र का वेश धारण किया और मुनिराज के चरणों में वंदना करके कहने लगा, हे मुनिवर, आश्चर्य है, आपने क्रोध को जीता, अहंकार को हराया, लोभ को वश में किया, माया को दूर किया। हे मुनिवर, धन्य है आपकी निर्लोभता, आपकी सरलता। आप इस भव में उत्तम हैं, पर भव में उत्तम होंगे, कर्म रहित होकर सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। अब विचार करो, इंद्र ने मुनिराज के वैराग्य को परखने में क्या कमी रखी? संसार की जो जो लौलुपताएं मनुष्य को विचलित करने वाली होती हैं, उन उन विषयों की ओर लगाने की इंद्र की कोशिश मुनिराज के दृढ़ एकत्व के सामने सर्वथा विफल रही। शुद्ध एवं अखंड वैराग्य के वेग में बहने वाले नमी राजा जानते थे कि ये विप्र जिन जिन वस्तुओं को मेरी कहता है, वे वास्तव में मेरी हैं ही नहीं। मैं तो सदा अकेला ही अपने ज्ञान में स्वरूप में एकत्व करके रहने वाले जीव ही सुखी रहते हैं, यही नमी राजा से हमें सीखना है। देखो ना बच्चों, कहाँ राम कहाँ सीता हजारों वर्षों तक साथ रहे, अंत में राम गए मोक्ष में, सीता गई स्वर्ग में। इस संसार की कैसी विचित्रता है, इस संसार में ये जीव सदा अकेला है, इसे किसी और का सहारा नहीं है। अपने एकत्व को ना पहचानने वाले और परद्रव्यों में सहारा मानने वाले जीव दुखी रहते हैं। ज्ञानी जानते हैं कि हमारी चीज हमारे पास है, हमारे अंतर में है, हमसे जुदा नहीं हो सकती, इसलिए वे शरीर आदि परद्रव्यों से सर्वथा भिन्न अपने चैतन्य में
अपने चैतन्य स्वभाव में एकत्व करके रहते हैं और मोक्ष की साधना करते हैं। सोचो बच्चों, जन्म में कितने जीव हैं, जग में करो विचार, लाए कितने साथ में पहले का परिवार, राजपाट सुख संपदा, महल वृषभ गजराज, मणिमाणिक मोती महल, प्रेमी स्वजन समाज, आया है क्या साथ में, जाएगा क्या साथ, जीव अकेला जाएगा, बंधु पसारे हाथ, दुर्लभ मानव भव मिला, कर एकत्व विचार, कैसे होगा अन्यथा, निज आत्म उद्धार, निज आत्म उद्धार।